वेलकम टू कॉम्पिटिशन एग्जाम जीके। आज है 21 फरवरी 2020। 21 फरवरी 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इफेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस यानी कि सोयल हेल्थ कार्ड डे, यानी कि सोयल हेल्थ कार्ड डे है, वो 19 फरवरी को मनाया गया, यानी कि इसका आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। अब यह 19 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की। अब यह क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना? इसमें जो खेती की मिट्टी होती है उसमें उसका एक हेल्थ कार्ड बनाया जाता है और हर 2 साल बाद उस हेल्थ कार्ड को बनाया जाता है। जैसे कि एक खेत का हेल्थ कार्ड बना, फिर अगले 2 साल बाद उसका हेल्थ कार्ड बनेगा। एक्चुअल में होता क्या है, जब किसी खेत में फसल होती है तो उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाती है, उसके लिए फिर दूसरी फसल की जाती है। एक फसल का चक्कर होता है जिससे कि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी, जिससे कि किसान को अपनी मिट्टी की कैपेसिटी पता रहे, यानी कि कितनी उर्वरा शक्ति है इसको पता रहे। हर 2 साल के बाद ये हेल्थ कार्ड जारी किया जाता है मिट्टी के लिए, और इसलिए 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरे नंबर की भाषा है वो अपनी भाषा हिंदी है, यानी इसका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, वो सही होगा। तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है अंग्रेजी, अंग्रेजी है वो पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है वो चीनी, और अपनी भाषा हिंदी है वो तीसरे नंबर पर है। तो अब हिंदी पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। एक्चुअल में विश्व भाषा डेटा बेस्ट अथेरो लोक का 22वां संस्करण अभी आयोजन हुआ है। कौन सा? विश्व भाषा डेटा बेस्ट अथेरो लोक का 22वां संस्करण अभी आयोजित हुआ है, और इसी में ये घोषणा की गई है कि हिंदी तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कला कुंभ प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी कला कुंभ प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन किया किसने? इसका आयोजन किया है वो कपड़ा मंत्रालय ने। कपड़ा मंत्रालय ने नई दिल्ली में कला कुंभ प्रदर्शनी का आयोजन किया है। अच्छा, इसका पर्पज क्या है? इस प्रदर्शनी का पर्पज है शिल्प और भारत की विरासत को बढ़ावा देना। प्रेजेंट टाइम पर हमारे केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन है? तो दोस्तों वह है स्मृति ईरानी, प्रेजेंट टाइम में हमारी केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20वें लॉरियंस अवार्ड्स में बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट का खिताब किसने जीता? तो 2011 में जब इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, उस जीत के बाद जब सचिन तेंदुलकर को कंधे पर बैठाकर पूरे ग्राउंड में घुमाया गया था, उस मोमेंट को बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट घोषित किया गया। लॉरियंस अवार्ड्स में इस मोमेंट को बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही होगा, यानी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को जो घुमाया गया था वही मोमेंट बेस्ट सपोर्टिंग मोमेंट घोषित किया गया है। अब लॉरियंस अवार्ड्स क्या होते हैं? तो ये खेल के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित अवार्ड है, और ये अभी इसका 20वां संस्करण है, यानी कि शुरुआत 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में। और अभी कहाँ पे दिए गए हैं? ये गए हैं बर्लिन में दिए गए हैं। कहाँ पे? बर्लिन में, यानी जर्मनी के कैपिटल है बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैरी ग्रेग का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हैरी ग्रेग ये एक प्रतिष्ठित गोलकीपर थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वो ऑप्शन सी राइट होगा। ये थे हैरी ग्रेग, ये आयरलैंड के एक प्रतिष्ठित गोलकीपर थे,
और इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बेरी ऑफ रेल को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी ऑस्ट्रेलिया ने बेरी ऑफ रेल को भारत ने में उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर अपॉइंटमेंट किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वो बी राइट होगा। आप इमेज में देख रहे हैं, ये हैं बेरी ऑफ रेल, इन्हीं को ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना उच्चायुक्त अपॉइंट किया है यानी कि हाई कमिश्नर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोयला क्षेत्र पर मंथन के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया है? तो अभी गुजरात ने कोयला क्षेत्र पर मंथन के लिए एक चिंतन शिविर आयोजित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वो होगा आंसर ए। और इस शिविर की अध्यक्षता की है हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री हैं प्रहलाद जोशी ने। किसने की? प्रहलाद जोशी ने। अब गुजरात में हुआ है ये चिंतित शिविर, तो गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की राजधानी है वह गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर कौन है गुजरात के? वह विजय रूपाणी। और गवर्नर कौन है गुजरात के? प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IDSA का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो पूर्व रक्षा मंत्री थे मनोहर लाल पारिकर, इन्हीं के नाम पर अब IDSA का नाम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर वो होगा ऑप्शन बी IDSA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एरालाइसिस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एरालाइसिस। और इसका नाम बदलकर अब मनोहर लाल पारिकर के नाम पर रख दिया है। और इसी साल मनोहर पारिकर को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। यह मनोहर लाल पारिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हो रही है नई दिल्ली में, यहीं पर सुनील कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो होगा ऑप्शन सी, यानी स्वर्ण पदक जीता है सुनील कुमार ने। यह है सुनील कुमार, और इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। 87 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है सुनील कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन बना है? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला सिंगल यूज प्लास्टिक एयरपोर्ट बन गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी IGI दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देखिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कैब यात्रियों की सुरक्षा के लिए हिम्मत प्लस मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो अभी दिल्ली पुलिस ने जो कैब में यात्रा करते हैं यात्री, उनके लिए एक हिम्मत प्लस ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वो सी होगा, दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है हिम्मत प्लस मोबाइल ऐप। और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने उबर के साथ समझौता किया है, जो उबर टैक्सी हैं उसके साथ समझौता किया है दिल्ली पुलिस ने, जिससे कि अगर कोई भी यात्री उबर में ट्रेवल करता है तो उसको दिल्ली पुलिस इजीली ट्रैक कर पाए। इस ऐप के थ्रू दिल्ली पुलिस के पास ये डाटा रहेगा कि कौन सा यात्री और कौन सा ड्राइवर किस जगह पे है। तो हिम्मत प्लस ऐप है उसका दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में अफगान पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ है? तो अभी 10 अफगान पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, गाजियाबाद में अफगान पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। यह है 10 अफगानिस्तान के पुलिस अधिकारी जिनको एक हाई लेवल का प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिया जा रहा है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया गया है? तो अब इसका आंसर है वह ऑप्शन ए करनाल में।
यानी करनाल में हरियाणा के करनाल जिले में राज्य की पहली अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 कहां शुरू हुई है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और आज के इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक कर जरूर किया करो। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल में निश्चित ही सफलता मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। कॉम्पिटिशन एग्जाम जीके ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।